Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the metallurgy chapter for class 12th CBSE and IIS. In this video we will discuss solutions to in-text exercises and exercise questions 1 to 4. So let's begin. First question is, which of the ores mentioned in table 6.1 of the NCERT book can be concentrated by मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड? तो जो ओर्स मेंशन हैं बुक में उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो मैग्नेटिक सेपरेशन से एक्सट्रैक्ट हो सकती है, कंसनट्रेट हो सकती है, यानी कि उसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज पॉसिबल थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन. सो ओर्स इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट्स आइदर द इम्प्योरिटी और द एक्चुअल ओर इज मैग्नेटिक कैन बी कंसनट्रेटेड बाई मैग्नेटिक सेपरेशन. मतलब ऐसी कोई भी ओर जिसमें या तो प्योर कंपोनेंट जो चाहिए या फिर उसकी इम्प्योरिटी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है, मैग्नेटिकली सेपरेट करना उसको पॉसिबल है. ऐसी ओर्स को हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू कंसनट्रेट कर सकते हैं. एग्जांपल, ओर्स कंटेनिंग आयरन विच इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडिराइट एंड आयरन पाइराइट. सो ये कुछ ओर्स हैं जिनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग का क्या रोल है? तो लीचिंग इज सिग्निफिकेंट एज इट हेल्प्स इन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज लाइक SiO2, Fe2O3 एट्सेट्रा फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट ओर से सिलिकन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं लीचिंग प्रोसेस का. जैसे Al2O3 सॉलिड प्लस 2 Na व्हिच एक्वस विल फॉर्म 3H2O लिक्विड. एलुमिना से हमने जो है यहाँ रिएक्शन कराया, विल ब्रेक डाउन, ये एक रिएक्शन हुआ. और इस चीप के अगले स्टेप में यहाँ पे 473.23 Kelvin के बीच में अगर करेंगे तो 2 Na यहाँ से जो बन के आ रहा है वो है 2 Na AlOH होल फोर एक्वस, ये बना सोडियम मेटा एलिमिनेट. तो इस रिएक्शन से सोडियम मेटा एलिमिनेट बना और फिर इसमें जो सिलिका है दैट विल रिएक्ट विद 2 NaOH एक्वस एट 473 to 523 Kelvin टू फॉर्म Na2SiO3 एक्वस विच इज सोडियम सिलिकेट. सो मेटा एलिमिनेट से सोडियम सिलिकेट बन गया और 2 NaAlOH होल फोर एक्वस प्लस 2 CO2 गैसेस विल फॉर्म Al2O3.SH2O विच इज प्रेसिपिटेटेड प्लस 2 NaCO3 एक्वस. अब जो Al2O3.SH2O था वो 1473 केल्विन 1473 केल्विन पे एक्सट्रैक्ट करके Al2O3 बनाएगा और H2O जो है वो अलग हो जाएगा. तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन में जोर हुआ लीचिंग का, ये पूरा प्रोसेस था. इस तरह से रिएक्शंस होते हैं. नेक्स्ट, द रिएक्शन Cr2O3 प्लस 2 Al विल फॉर्म Al2O3 प्लस 2 Cr जिसमें कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -421 किलो जूल है. इस थर्मोडायनेमिकली फीजिबल एज इट इज एपरेंट फ्रॉम द गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू. व्हाई डज इट नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर? मतलब कि थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता? सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज एसेंशियल इवन फॉर सच रिएक्शंस फॉर विच आर थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, देयरफॉर हीटिंग इज रिक्वायर्ड. मतलब कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल होने के बावजूद उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हीटिंग करनी ज़रूरी है. इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं करेगा. नेक्स्ट, इज इट ट्रू दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एंड एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाट आर दीज कंडीशंस? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर दे और एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे? येस, बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एंड अबव 1350 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम डेल्टा जी नॉट वर्सेज टी प्लॉट्स. तो गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेज टेम्परेचर का जो प्लॉट्स हैं वहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि 1350 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके बिलो है अगर टेम्परेचर तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 और अगर टेम्परेचर जो है वो अबव 1350 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. नेक्स्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, एक्सप्लेन.
कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन जिंक को नहीं कर सकते। क्यों? द ई नॉट ऑफ जिंक Zn2+ इज -0.76 वोल्ट्स इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर विच इज +0.34 वोल्ट्स। हेंस जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ Cu2+ आयंस। उसकी एनर्जी जो है जिंक का केस में माइनस में है, इसलिए जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ Cu2+ आयंस। कैसे? जिंक सॉलिड विल रिएक्ट विद Cu2+ एक्वस टू फॉर्म जिंक 2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। बट टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ Zn2+ आयंस वी नीड अ मेटल मोर रिएक्टिव दैन इट दैट इज Al। मतलब कि जिंक को रिप्लेस करने के लिए जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए होगा। एग्जांपल Al जिसका कि E0 जो है वो -1.66 वोल्ट्स है, और मैग्नीशियम जिसका कि E0 -2.37 वोल्ट्स है, और कैल्शियम जिसके लिए E0 -2.87 वोल्ट्स है, और पोटेशियम के लिए वैल्यू -2.93 वोल्ट्स है। तो जो जिंक की वैल्यू ज़्यादा होगी मोर रिएक्टिव होंगे, वो रिप्लेस कर पाएंगे। बट ऑल दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग आयंस विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। हेंस एल्युमिनियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ Zn2+ दस कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। तो मतलब कि ये जितने भी हैं वो सब जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू जिंक को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉपर एक्सट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का क्या रोल है? इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इज टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ सल्फाइड और पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रॉथ विद एयर बबल्स। एक पर्टिकुलर टाइप के सल्फाइड और पार्टिकल्स जो हैं वो उनको फ्रॉथ एयर बबल्स के साथ फ्रॉथ बनाने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल NaCN इज यूज एज अ डिप्रेसेंट टू सेपरेट लेड सल्फाइड PbS और फ्रॉम जिंक सल्फाइड ZnS और द रीजन इज दैट NaCN फॉर्म्स जिंक कॉम्प्लेक्स Na2ZnCn4 ऑन द सरफेस ऑफ ZnS प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉथ। अंडर दिस कंडीशन ओनली PbS फॉर्म्स फ्रॉथ एंड देयर फोर इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम जिंक सल्फाइड और। अब जबकि दो हैं कंपाउंड जो कि फ्रॉथ बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल या NaCN भी बना सकता है और ZnS भी बना सकता है, दोनों अगर फ्रॉथ बना लेंगे तो सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए NaCN का जो है जिंक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यूजिंग डिप्रेसेंट जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे NaCN डिप्रेसेंट यूज़ कर रहे हैं तो जिंक सल्फाइड का एक जो है यहाँ पे फ्रॉथ जो बनतेगा उसमें ऐसे होगा कि PbS है लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड वो NaCN के साथ रिएक्शन करके Na2ZnCn4 ये एक जिंक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे कि फ्रॉथ नहीं बनेगा। तो जो दूसरा है कंपोनेंट है यानी कि PbS लेड सल्फाइड उसका फ्रॉथ बन जाएगा और उसके थ्रू फ्रॉथ के थ्रू जो है वो सेपरेशन आउट उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और को फ्रॉम जिंक सल्फाइड और को। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, एक का फ्रॉथ बनेगा दूसरे का नहीं बनेगा। एक का फ्रॉथ ना बने इसके लिए NaCN के डिप्रेसेंट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पाइराइट्स मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम द ऑक्साइड्स थ्रू रिडक्शन? तो क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पाइराइट इज़ मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है पाइराइट से करना, ऐसा क्यों है? तो ऑक्साइड कैन बी इजिली रिड्यूस्ड टू मेटेलिक कॉपर यूजिंग कोक। जो ऑक्साइड है उसको मेटेलिक कॉपर के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बहुत आसान से कोक यूज़ करके। रिएक्शन Cu2O प्लस कार्बन विल फॉर्म 2Cu+CO, तो काफ़ी ईजली हो गया। और गिब्स फ्री एनर्जी एलिंगम डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन कैरी आउट होगा। तो जितने कम टेम्परेचर पे हो रहा है उतना ईजली रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। जो इम्प्योरिटी है वो
मेटल के सॉलिड स्टेट से ज़्यादा मोल्टन स्टेट में सॉल्युबल है। सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड इन वन एंड ऑफ द रॉड एंड ऑफ द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल के एक एंड पर एक सर्कुलर मोबाइल हीटर फिक्स कर दिया। द मोल्टन जोन मूव्स अलॉन्ग विद द हीटर विच इज मूव्ड फॉरवर्ड। तो हीटर को आगे मूव करेंगे, उसके साथ मोल्टन जोन जो है वो आगे मूव करेगा। एज द हीटर मूव फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द मेटल ऑफ द मेल्ट एंड द इम्प्योरिटीज पास ऑन टू द एडजेसेंट मोल्टन जोन। जैसे ही वो मेल्ट डाउन होगा उसमें से जो क्रिस्टल्स हैं प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पास ऑन टू एडजेसेंट मोल्टन जोन, दूसरे जोन में पास आउट हो जाएंगे इम्प्योरिटीज। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में हीटर को बार बार मूव करेंगे। एट द एंड द इम्प्योरिटीज गेट कंसनट्रेटेड। आखिर में सारी प्योरिटी जो है वो अलग होती जा रही है, क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ रही है, तो जो इम्प्योरिटी है वो कंसनट्रेट हो जाएगी। एट द एंड दिस कट ऑफ दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर्स एंड अदर मेटल्स। इसमें हाईली प्योर जो है वो मिलता है क्योंकि बार बार करेंगे उसको, तो जितनी भी प्योरिटी है वो सब का सब पे प्योर मेटल जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो वो सारी इम्प्योरिटी विल कंसनट्रेट, इसलिए इट प्रोड्यूसेस सेमी कंडक्टर्स लार्जली एंड अदर मेटल्स। यहाँ पे एक्सप्लेन किया डायग्राम के थ्रू, मेटल रॉड है और मोल्टन जोन मोल्डिंग हो रही है और इंडक्शन कॉइल हीटर्स मूविंग फॉर शोन। इस तरीके से मूव करके बार बार सेपरेटर कर लेते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफिक। इसमें क्या होता है, इस बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्बेंट। एक ही एब्जॉर्बेंट पे एक ही कंपोनेंट के अलग अलग मिक्सचर अलग अलग एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होते हैं। द एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड और इल्यूटेड बाय यूजिंग सूटेबल इल्यूएंट रिमूवर करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इल्यूटेंट, उसको इल्यूट करना बोलते हैं रिमूव करने को प्रोसेस को। दीज आर देयर आर सेवरल क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स विच इज पेपर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी एंड गैस क्रोमैटोग्राफी। कई मेथड से हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो सॉल्वेंट है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, तीन कंपाउंड्स है ए बी एंड सी, और एडसॉर्बेंट है सिस्टम फेस में इसके ऊपर एडसॉर्ब होगा, और लास्ट में ग्लास फुट है। अब ये अलग अलग लेवल पे एक्सटेंड हुआ तो ए सेपरेट आउट हो गया, बी प्लस सी नीचे, बी अलग एक्सटेंड पे एक्सटेंड हुआ जो एब्जॉर्ब हो रहा है अलग अलग लेवल पे, ए कहीं और, उससे नीचे हुआ बी, उससे नीचे हुआ सी, तो अलग अलग लेवल पे हुआ। एन अप्रोप्रिएट एलिमेंट इज विच इज़ अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द कॉलम स्लोली। मूवर है वो पूरे कॉलम में स्लोली मूव करता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। कितने एक्सटेंड में जो एब्जॉर्बेशन है वो हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन वो जो अखर होता है। द मोर रेडिली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड नियर द टॉप एंड अदर्स कम डाउन इन वेरियस डिस्टेंस इन द कॉलम। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और जो कम एब्जॉर्ब होगा वो नीचे फ्लो करेगा और थोड़े लोअर लेवल पर एब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से सेपरेशन जो है वो कैरी आउट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।